12 अफराद थे हमारी फैमिली के, ये पाकिस्तान टूर पे निकले थे गिलगित से कुछ टाइम पहले, इनका गाड़ी जो है वो खाई में जा गिरी। वज़ीर आज़म साहब ने भी अफसोस का इजहार करा और उनको हिदायत दी कि भाई इनके साथ पूरा कोऑपरेट किया जाए, लेकिन उसके बाद वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। हमारे मेंबरान वहाँ पे जो मौजूद हैं, जो यहाँ से भी पहुँचे हैं, वो सब बता रहे हैं कि हम बहुत परेशान हो रहे हैं, वहाँ पे किसी किस्म की सहूलत दी नहीं जा रही है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक, आप देख रहे हैं मेरान ट्रिब्यून हैदराबाद। हैदराबाद आज हम तिलक चाड़ी के एक इलाके में मौजूद हैं। एक फैमिली के साथ एक नाखुशगवार वाकया हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान जाते हुए एक फैमिली गई थी, वो हादसे का शिकार हो गई है, जिनमें से चंद अफराद जो हैं वो खाली के हकीकी से जान मिले और कुछ लोग ज़ख्मी हैं। तो उनके एक मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। क्या हादसा हुआ है, कहाँ जा रहे थे ये लोग? भजन, ये बच्चे जो थे तकरीबन 12 अफराद थे हमारी फैमिली के, ये पाकिस्तान टूर पे निकले थे गिलगित में जाते हुए, गिलगित से कुछ टाइम पहले इनका गाड़ी जो है वो खाई में जा गिरी। हमारे जो थे तकरीबन घर के 12 अफराद थे, जिसमें से चार हमारे बंदे एक्सपायर हो गए, जिसमें तीन लेडीज़ हैं एक जेंट्स है। और ज़ख्मी? ज़ख्मी हमारे 8 अफराद हैं, जो अभी जिसमें से चार ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हैं, बाकी नॉर्मल हैं। हुकूमत की तरफ से सहूलियात जो हैं वो कैसी उनको मिल रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको दरपेश हैं? हुकूमत ने जिस वक्त ये वाक़या हुआ उस वक्त तो जो है वो बड़ा जोश व खरोश दिखाया। डीसी साहब ने, वहाँ के एसी साहब ने, वज़ीर सेहत थे, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी भी थे, लेकिन रात 2-3 बजे तक वो साथ साथ थे वहाँ पे, हॉस्पिटल आए, लेकिन उसके बाद वो दोबारा नज़र नहीं आए, ना वो मालूम करने आए कि किस कंडीशन में हम लोग। वज़ीर आज़म साहब ने भी अफसोस का इजहार करा और उनको हिदायत दी कि भाई इनके साथ पूरा कोऑपरेट किया जाए, लेकिन उसके बाद वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। हत्ता कि हमारे जो पेशेंट हैं वहाँ पे, वो मेडिसिन वगैरह और भी जो चीज़ें ज़रूरत की होनी चाहिए वहाँ पे नहीं मिल रही उनको, ना उनको ट्रेवल वहाँ पे जो खर्चा हो रहा है। अभी हमारे सुबह हमारे पेशेंटों को जो है वो CMH हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करा हम लोगों ने, वहाँ से वहाँ पे 3 हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके गए थे, लेकिन हुकूमती नुमाइंदा वहाँ पे कोई अभी सपोर्ट नहीं कर रहा। हमारे मेंबरान वहाँ पे जो मौजूद हैं, जो यहाँ से भी पहुँचे हैं, वो सब बता रहे हैं कि हम बहुत परेशान हो रहे हैं, वहाँ पे किसी किस्म की सहूलत दी नहीं जा रही। अब हमारी बस यही रिक्वेस्ट है, अभी 4 डेड बॉडी हमारी ऐसे तो हैदराबाद आ गई हैं, लेकिन जो बाकी लोग वहाँ मौजूद हैं, जो जिनकी हालत ज़्यादा ख़राब है, पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है, हुकूमत चाहे तो सब कुछ हो सकता है, उनको जिस तरह चाहे सहूलत दे सके। तो अच्छा, वहाँ पर जो जितना खर्चा हो रहा है ये सारा है, वो भी बर्डन आप पे डाला हुआ है? जी हाँ, मैं आपको बताऊँ, अभी 1 से 2 दिन के अंदर मैंने 5 लाख रुपए का खर्चा वहाँ पे हमारा हो चुका है। अब अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही होती है, हमारे 5 लाख रुपए थोड़ी खर्च होते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि फिर क्या फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का। हम तो अपील करेंगे यहाँ से SC DC साहब से, वहाँ पर हिदायत करें उन लोगों के, भाई उनको सपोर्ट करो। बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी, वज़ीर और मुशीर अपनी अयाशियों के लिए तो जितना खर्चा करते हैं दुनिया की नज़र में है, लेकिन जिस फैमिली पे गमों के पहाड़ टूटे हुए, उसके बाद उन पर ज़्यादतियों की पहाड़ भी तोड़े जा रहे हैं। कैमरामैन माहिर अली के साथ इमरान मलिक, मेरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।